शांति उसका कारण हम हैं। हमको कोई भी बीमारी आ रहा है, उसका कारण हम हैं। हमको कोई कितना भी नजदीक हो, हम उसको शेयर कर सकते हैं अकाउंट को? या अकाउंट को शेयर कर सकते हैं? नो, क्योंकि आत्मा जब शरीर में आता है तो ये शरीर है किस लिए? भोगने के लिए, भुगतने के लिए। हम सबको ये नॉलेज फिट हो गया, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। फिर भी शरीर क्यों मिला? हिसाब के कारण मिला, भुगतने के लिए मिला ये शरीर। ये फाइल नंबर वन। फाइल नंबर टू पहले आपको बता देते, बाद में क्लियर करते। फाइल नंबर टू, वाइफ हस्बैंड, पति को पत्नी, पत्नी को पति। फाइल नंबर टू, ये जैसा कि गम पेस्ट है, इसको कहते हैं आप निकालना चाहे तो भी निकाल नहीं सकते। आपके पड़ोसी का प्रॉब्लम है तो आप भाग सकते हैं, आपके शहर का प्रॉब्लम है तो शहर छोड़ सकते हैं, देश का प्रॉब्लम है तो देश छोड़ करके भाग सकते हैं, लेकिन पति पत्नी का प्रॉब्लम है तो कहा है तो भी गम पेस्ट जैसे अटक जाते हैं। क्योंकि वाइफ और हस्बैंड हम सब के लिए कौन सा फाइल है? फाइल नंबर टू। ये सब हिसाब किताब से मिलता है। इस हाल में बहुतों को बहुत फाइल्स होता है, वो भी पूछता। फाइल नंबर थ्री, फाइल नंबर थ्री, फोर, फाइव, कितने भी हो सकता है, वो आपके बच्चे। फाइल नंबर सिक्स, फाइल नंबर सेवन, शरीर को जन्म दिया हुआ माता पिता, मदर फादर। और एट नाइन टेन, ये हो सकता है आपके कंपनी वाले आपको जो पैसा लेकर के वापस नहीं देते हैं, जो आपको कहा भी शांति में रहने नहीं देते हैं। अब कोई भी काम करने जाते हैं तो बीच में आकर के विघ्न डालता है, या आप रास्ते में जा रहे हैं आकर के आपको धक्का मार के आपको एक्सीडेंट कर दिया, कोई ने आकर के फ्रैक्चर कर दिया, कोई ने आकर के। एक कहानी होता है, एक बार एक व्यक्ति को भूख लगा, वो एक केला खाते है, एक केला खा के वो चीखे को ऐसे रोड में डालते है, वो चीखे को रोड में डाला तो तुरंत बिजली चले गया, करंट चले गया। आप वो सब उसी टाइम में वहां जाते थे, जाकर के उस चीखे को आप उसके ऊपर पाव रख करके घिस के आप गिर गया, आपको फ्रैक्चर हो गया। तो क्यों निमित्त बना? क्योंकि डॉक्टर्स के साथ आपका अकाउंट था, वो क्लियर करने के लिए वो व्यक्ति निमित्त बनना था। किसको दोषी बनाएंगे? किसको दोषी बनाएंगे? हर रोज डॉक्टर और पेशेंट दोनों भी भगवान को याद करते, पूजा करते। पेशेंट कहते हैं, भगवान मुझे बीमारी ना आए ऐसे मुझे वरदान दो। और डॉक्टर कहते हैं, भगवान मेरे क्लिनिक में बहुत पेशेंट आ जाए। किसको भगवान सेटिस्फाई कर सकता है? कोई भगवान भी हमारे चरण में एंट्री नहीं होता है, ये हमने किए हुए कर्मों का रिजल्ट में निमित्त बनता है। भगवान कभी कर्म में नहीं एंटर होता है। आप बाबा को ये मत कहना कि बाबा मुझे मदद करो, मदद करो। बाबा मदद करने नहीं आया, अपने ऊपर मदद करने के तरीका सिखाने के लिए आया है। बाबा को भी मैं मदद नहीं कर सकता इस बात में। कहीं माता ये बाबा के पास एप्लीकेशन डिमांड और एक तरह की लेटर रखते हैं, बाबा अगर आप मुझे एक काम करा दो ना, मैं आपको भोग लगवाऊंगा। बाबा मेरा बच्चे को शादी जल्दी हो गया तो ना, मैं डेली क्लास में आऊंगा। बाबा मुझे इस बंधन से छुड़ा दिया जाना, मैं आपके लिए कुछ पैसा सेवा में दे दूंगा। क्या भगवान के लिए हमको रिश्वत देना है? भगवान कभी इस बातों से प्रसन्न नहीं होता। अगर उस समय भी आपका कुछ काम हो रहा है तो वो आपका पुण्य कर्म के आधार से हो रहा है, वो भी